इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। किसी भी चीज का हद से ज्यादा जुनून कभी कभी बहुत हानिकारक होता है, फिर चाहे वो रिश्ते ही क्यों ना हो। शमिता, मुझे ना बिल्कुल तुम्हारी तरह फिगर चाहिए, एकदम परफेक्ट वाला। इसलिए तो रोज सुबह तुम्हारे साथ वॉक करने आ जाती हूँ। मुझे तो करीना जैसा फिगर चाहिए। शमिता से भी पतली होके दिखाऊंगी। तुम ऑलरेडी बहुत पतली हो, पता नहीं क्यों अपने आप को मोटा कहती रहती हो। तभी तो मेरे पति से जाके पूछो। और मेरे पति का तो बिल्कुल उल्टा है, मतलब उनका बस चले ना, मुझे खिला खिला के वैसे ही मोटा कर दे और पता भी नहीं। वो सही कह रहे, मेरी गलती है, मैं सामने आ गई थी। भाई साहब आप जाइए यहाँ से। तुम ठीक हो ना? हाँ। बहुत ज्यादा लग गई, चलो तुम्हारे घर चलते हैं, इसमें दवाई लगानी पड़ेगी। समिता तुम ठीक हो ना? हाँ बाबा ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं है, हल्की सी खरोच है बस। हल्की सी खरोच? ये हल्की सी खरोच है? यार राइट, निशा को तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। ऑब्वियसली होगी, इतनी अच्छी दोस्त जो है मेरी, और अगर अपना ख्याल नहीं रखेगी तो बच्चों की तरह डांटूंगी भी इसे। अच्छा बस ठीक है, मैं ठीक हूँ बाबा, डांट क्यों रही हो इतना? क्योंकि डांटना मेरा हक है। हितेश प्लीज तुम उसका ख्याल रखना, और तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल मत करना, बस याद करना और मैं आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है। देखो इसे, शर्म है या सब बेच खाई है इसने? जब देखो शमिता के यहाँ पड़ी रहती है। मुझे तो ये डर लगता है कि ये कहीं शमिता का घर ही ना उजाड़ दे। हितेश भी कब तक बचेगा इससे? मर जाते हैं। अरे खुद तो इसने शादी की नहीं, और मर्दों की इर्द गिर्द घूमती रहती है। हितेश ने भी तो जवान औरत से शादी की है, क्या पता फिर से फिसल ना जाए। सही कहा आपने, बेटी और बीवी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और हितेश को तो मजे हैं, उसको तो दोनों ही हाथों में लड्डू खाने को मिलेंगे। कुछ भी हो सकता है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Rekha, happy birthday to you। और हाँ ये हमारी तरफ से।
तो स्टार्ट करें? कुछ ऐसा गेम खेलो कि हम लोग भी खेल सके। हम लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये होता क्या है। बहुत सिंपल गेम है गुप्ता आंटी। मैं यहाँ पे नंबर्स अनाउंस करूंगी और वो नंबर आपको अपने टिकट्स में काटते जाने। जिसके सबसे पहले सारे नंबर्स टिकट में कट गए प्राइजेस का। ओके ओके स्टार्ट करें। टू फाइव ट्वेंटी फाइव। थ्री थर्टी थ्री। नहीं नहीं निशा चीटिंग मत करो, एक भी नंबर नहीं है इसमें। आएगा आएगा वेट तो करिए। टू फोर ट्वेंटी फोर। एट एट एटी एट। आ गया, ये देखो एक नंबर आ गया। अपना लिखा? मेरे तो तीन ही है। इसकी बेशर्मी तो देखो, हितेश को कैसे घूर घूर के देख रही है। सब ऐसा लगता है शर्म है, सब बेच खाई है इसने। Good morning, beautiful. Good morning. Oh. और आओ। तुम क्यों इतनी तकलीफ करती हो रोज रोज ब्रेकफास्ट लाने की? शमिता, तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना कितना अच्छा लगता है। और देखो आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे बनाए। Oh my God! लाओ प्लेट लाओ, गर्मा गर्म देती हूँ। रुको रुको एक और। नहीं नहीं इधर लाओ। आ गई तुम? दो मिनट का चैन देना इस लड़की को। पता नहीं इसकी रात कैसे कटी तुम्हारी बिना शमिता। मेरा बस चले तो मैं तो रात को भी शमिता के साथ ही सो जाऊं। लेकिन एक फायदा है, तुम्हारे वजह से सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छा मिलने लगा है। Good morning, Dad. Good morning. गुड मॉर्निंग निधि। मॉर्निंग शमिता। तुम्हारे लिए नहीं है ये, सिर्फ शमिता के लिए। समझ में नहीं आता, एक बार कहा ना हितेश, ये सिर्फ शमिता के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुम खाओ। तुम लोगों को याद है ना कि नेक्स्ट मंथ मेरी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है? कौन सी याद है? मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं, अभी तो पूरा वन मंथ पड़ा है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। हाँ है तो सही, पर मैंने इस बार कुछ अलग सोचा है। आई नो क्या सोचा है। अच्छा क्या सोचा है? चांदनी। ओह माय गॉड निशा, तुम कितने अच्छे से मुझे जानती हो। नहीं वो तो है, श्रीदेवी की फैन, वो तुम्हें देख देख कर ही तो बनी है। हाँ वो सब ठीक है, मैंने यही सोचा है कि ना हम पार्टी की थीम चांदनी रखेंगे, सब वैसे ही कपड़े पहन कर आएंगे। वाह कितना अच्छा आइडिया है। एंड यू नो व्हाट, चांदनी के गेटअप में तुम्हारे बाद मैं ही अच्छे दिखने वाली हूँ। नो डाउट। ओह माय गॉड, she's so
प्रीति। कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये ना एकदम सही चांदनी है। हम ना अपना लुक बिल्कुल ऐसे ही रखने वाले हैं। इसकी बाल देखो यार, इसकी चाल, इसकी नजाकत, इसकी ड्रेस, शी इज सो ब्यूटीफुल, है ना निशा? सीरियसली सो ब्यूटीफुल। आप कल ही यहाँ शिफ्ट हुई है क्या? हाँ। ओके। मैं चांदनी। I'm शमिता और ये निशा है और ये रेखा। Actually हम आपके पड़ोसी हैं। Actually हम सब एक family हैं। Yeah, welcome to the family. Thank you. मुझे ना पूछना था कि आपकी ये फिगर योगा से है क्या? सिर्फ योगा नहीं, अच्छी डाइट फॉलो करने से ही अच्छी हेल्थ रहती है। डाइट? Oh my God, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं, मैं मेरी एक्सरसाइज को लेके बहुत स्ट्रिक्ट, कभी स्किप नहीं करती। वेरी इंप्रेसिव। वैसे अब आप आ गए हो ना, आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हो। आप हमें गाइड करोगे ना, मुझे आपकी जैसे फिगर चाहिए। बिल्कुल, आज से योगा स्टार्ट करते हैं और मैं तुम्हें डाइट भी समझा दूंगी। पर ये सब तो इंटरनेट पे भी मिलता है ना? बिल्कुल नहीं, बिना बॉडी चेकअप किए बिल्कुल डाइट नहीं करते, सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हम भी अब कल से ना योगा स्टार्ट करेंगे आपके साथ। ठीक है, बिल्कुल, आप लोग सब लोग आ जाओ। नारियल पानी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मेरा तो पेट ही भर गया। तुम पियोगी शमिता? ला मुझे दे दो। तुम मत पियो निशा, तुम्हारा तो गला खराब है ना। शमिता तुम पी लो। मेरी हाथ के स्पेशल पराठे मेरी स्पेशल दोस्त के लिए। सॉरी आज तुम लेट हो गई हो। कम आज मेरे हाथ के पराठे खाओ। कोई बात नहीं, आज तुम्हारे पराठे हम बाद में खाएंगे। आओ चांदनी के हाथ के पराठे खाओ, बहुत टेस्टी बने हैं सच में। रुको, मैं घर से खा के आई हूँ। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, हम तुम्हें बाद में ज्वाइन करते हैं। परेशान क्यों इतना? सब ठीक है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें आजकल मेरे हाथ के पराठे कम अच्छे लगने लग गए हैं जो तुम चांदनी के हाथ के पराठे खा रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है निशा, तुम गलत सोच रही हो। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं सोच रही हूँ। तुम आजकल मुझे छोड़ के चांदनी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही हो। मैं आज सुबह तुम्हारा सोशल मीडिया चेक करके आई, तुम उसके साथ मार्केट जा रही हो, उसके साथ वॉक पर जा रही हो, आइसक्रीम खाने जा रही हो मुझे छोड़कर। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं और हितेश रात को वॉक करने गए, तो वहाँ चांदनी और उसका हस्बैंड मिल गए हमें, तो हितेश ने इनवाइट कर लिया उन्हें ब्रेकफास्ट पे, और उसके बाद हम आइसक्रीम खाने गए थे, दैट्स इट। मुझे छोड़कर? अरे बहुत अचानक प्लान बन गया था निशा। अच्छा ठीक, तुम ये सब छोड़ो, कोई और बात करते हैं। तुम्हारे पराठे खाए, ये लो। ये क्या? गिफ्ट है तुम्हारे लिए, सोचा था पराठों के साथ दूंगी, पर okay. My God, Nisha, this is so pretty. सच में यार, तुम्हारी चॉइस की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत ज़्यादा। तुम इसे एनिवर्सरी पे पहनोगी? Yes, पक्का। अच्छा, अब तुम्हारे पराठे खा ली? हाँ। And thank you for the gift. Welcome.
शमिता कहाँ थी तुम? वो केक लेने गई थी। वैसे मेरा चांदनी लुक कैसा है देखो? बहुत सुंदर लग रही है तुम, बहुत खूबसूरत। पर चांदनी को देखो, सुंदर लग रही है ना ये भी। इसकी तरह तो कोई प्यार ही नहीं हो पा रहा है। तुम भी ना स्मिता कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। तुमने मेरी दी हुई साड़ी क्यों नहीं पहनी? सॉरी निशा, एक्चुअली चांदनी ने मुझसे कहा कि मुझ पे ये साड़ी ज्यादा अच्छी लगी, तो मैंने तुम्हारी साड़ी इसे दे दी और इसकी साड़ी मैंने पहनी। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी हूँ ना? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम प्लीज मुझे चूड़ियाँ पहना दो ना, एक्चुअली बहुत टाइट हो रही है, मुझसे नहीं पहनी जा रही, देखो जैसे निशान पड़ गया। हाँ थैंक यू। अब मुझे भी पहना दो प्लीज। It's okay, Shamita. कोई बात नहीं। दिखाओ, कहाँ लगा? Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. निशा को मुंह तो देखो कैसे जल रहा है हितेश और शमिता को देखकर। चल अब मुंह ठीक कर, ये तेरी मां बन चुकी है और हमेशा रहेगी। वो मेरी मां नहीं है, वो अब इस दुनिया से जा चुकी, और वैसे भी मेरे लिए ये सिर्फ और सिर्फ शमिता ही रहेगी। ये पापा को पागल बना सकती लेकिन मुझे नहीं। अभी तेरी सौतेली माँ भी सही है, पहले निशा को लेके घूमती थी और अब इस नई परी को। ठीक तो है ना तेरी माँ? चेक करा ले, नहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? हाँ जी माँ, मुझे औरतों में तो इंटरेस्ट नहीं है। शमिता को मुझसे नहीं छीन सकती, इसलिए हिम्मत भी मत करना हम दोनों के बीच आने की। ये क्या हो गया? यहाँ तो पूरा का पूरा पासा ही पलट गया। पति की नहीं, ये तो पत्नी की दीवानी निकली। निधि चेक करा ले अपनी सौतेली माँ को,
अब तो पक्का कोई गड़बड़ लगती है। गड़बड़ तो तब होगी जब मैं इसको आगे बढ़ने दूंगी, और ऐसी औरत मेरे डैड के साथ। निशा क्या हुआ? वो चांदनी शमिता को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। निशा ये क्या बचपना है, कैसी बातें कर रही हो तुम? बचपना नहीं है माँ, मेरी एक ही तो पक्की सहेली है, उसको भी वो चांदनी मुझसे छीन रही है। आज तो मैंने उसको ऐसा सबक सिखाया है कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। क्या किया तुमने? कुछ नहीं, एक जोरदार खींच के थप्पड़ लगाया है। अगली बार शमिता के आसपास भटकने से पहले भी ना 10 बार सोचेगी। आपको शर्म नहीं आती ना निशा जैसी घटिया औरत से दोस्ती करते हुए? और आज जो उसने किया, आपको पता है मेरी कितनी बेइज्जती हुई है अपने दोस्तों के सामने? लुक निधि, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि निशा मुझे अपना इतना पक्का दोस्त मानती। दोस्त? शमिता मेरे भी दोस्त हैं, पक्के वाले, लेकिन ऐसे रिश्तों को ना दोस्ती का नहीं कोई और ही नाम दिया जाता है। निधि प्लीज। निशा मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि दूसरे के मामले में दखल अंदाजी मत किया करो। अरे वो शादीशुदा है, उसकी वो अपनी जिंदगी है। शमिता के प्रति जो तुम्हारा ये पागलपन है ना, एक दिन तुम्हें लेके डूबेगा। बस करो माँ, अब हर बार मेरी गलतियां क्यों गिनाती रहती हो? निशा ये मत करो, अभी शमिता के घर मत जाओ, तभी मत जाओ, उसके पति को ये मत बोलो, वो मत बोलो, मतलब हद होती है माँ। निशा तुम मेरी मत। उठाओ उठाओ, बुलाओ घर उसे, वैसे भी हर समय तमकती भी आ जाती है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि ये मेरा घर है ही नहीं, उसका घर है। दीदी, पापा आपने जब इनसे शादी करने का फैसला लिया था ना, तब मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब इनकी इन हरकतों की वजह से मैं अपनी लाइफ खराब नहीं होने दूंगी। लोगों ने वैसे भी बातें करना शुरू कर दिया है और मजाक तो उड़ा ही रहे हैं निधि, लेकिन अगर यहां से ये बात आगे बढ़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निधि लुक, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि मेरी वजह से आप लोगों का मजाक ना उड़े। आई नो कि निशा अपनी हदें पार कर चुकी है, पर उसकी वजह से मैं आप लोगों की नजरों में नहीं गिर सकती हूँ। आई प्रॉमिस। देखो शमिता, मुझे वो औरत पहले दिन से पसंद नहीं थी, लेकिन तुम्हारी सहेली थी तो झेल लिया, लेकिन अब जो उसने हरकत की ना, उसके बाद तुम उससे जितना दूर रहो ना उतना ही अच्छा है। किसी भी चीज हद से ज्यादा जुनून कभी कभी बहुत हानिकारक होता है, फिर चाहे वो रिश्ते ही क्यों ना हो। नमस्कार, मैं हूँ सुधा चंद। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे निशा की दोस्ती के जुनून की। निशा का जुनून सारी हदें पार कर चुका था। निशा शमिता पर अपना हक जताने लगी, जो शमिता की जिंदगी पर हावी होता जा रहा था। शमिता के परिवार में पहले से ही करवाट अब दूरियां बनने लगी। जब हम अकेले होते हैं तो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए हम एक सहारा ढूंढते हैं। निशा ने भी वही किया। एक अच्छे पड़ोसन होने के नाते शमिता ने अपना पूरा फर्ज निभाया, लेकिन निशा शमिता के इस सहारे को अपना हक समझ बैठी। अब देखना यह है कि क्या शमिता निशा की इस जुनूनियत को रोक पाएगी, क्या निशा अपनी हदें समझ जाएगी, क्या शमिता की परेशानियां यही खत्म होगी या फिर और बढ़ती चली जाएगी। शमिता, शमिता आजकल तुम्हारे वजह से मुझे ऑफिस जाने में देरी हो जाती है, थोड़ा घर में ध्यान दिया करो।
शमिता, तुम आजकल मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तुमने जो किया है ना निशा, शुक्र मनाओ उसके लिए मैं सिर्फ तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ और कुछ नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि जाओ जाके चांदी से माफी मांगो। हाँ हाँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जो किया वो बहुत गलत था? वो उसी लायक थी, उसकी हिम्मत तो देखो, चली थी तुमको मुझसे अलग करने। शट अप निशा, बच्ची हो क्या? और ये सब क्या लगा रखा है अलग करना एंड ऑल? देखो, एक तो तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली मुझसे नाराज होके बैठी, और अब ये जो बच्चे कुछ दोस्त है ना, इन्हें खो नहीं सकती हूँ, जाके माफी मांगो उससे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम चांदनी की आजकल कुछ ज्यादा ही तरफदारी कर रही हो? शायद हाँ, क्योंकि वो सही है और तुम गलत। एक्चुअली तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हें ना दिमागी इलाज की जरूरत है, जाके वो करवाओ। ये ना एकदम सही चांदनी है। हम ना अपना लुक बिल्कुल ऐसी रखने वाले हैं। इसके बाल देखो यार, चाल, इसकी नजाकत, इसकी ड्रेस, शी इज सो ब्यूटीफुल, है ना निशा? वेलकम टू द फैमिली। मेरा तो पेट ही भर गया, तुम पियोगी शमिता? लाओ मुझे दे दो। तुम मत पियो निशा, तुम्हारा तो गला खराब है ना। शमिता तुम पी लो। शमिता को मुझसे नहीं छीन सकती, इसलिए हिम्मत भी मत करना हम दोनों के बीच आने की। हेलो, कहाँ जा रही है? बाहर चल। मैं जाना? नहीं नहीं, मैं ऊपर जा रही हूँ, मुझे लेट हो। ठीक है। कहाँ जा रही हो? मैं बाहर, तुम चलोगी? नहीं यार, बहुत काम है घर। अरे चलो ना थोड़ी देर। नहीं यार, तुम जाओ, मैं बाद में मिलूंगी तुमसे। कम ऑन, चलो चलो। करो, जितना डिस्कनेक्ट करना है करो, मैं भी देखती हूँ कि उस चांदनी की वजह से तुम कब तक मुझसे नाराज रहती हो। शमिता, शमिता, किस सोच में डूब गई हो? कुछ नहीं यार, मैं उस रात की बात सोच रही थी। उस रात जो कुछ भी हुआ ना, वो नहीं होना चाहिए था। I'm really sorry for that. तुम भी किस बात को दिमाग में लेके बैठ गई हो? और वैसे भी निशा के बारे में हम जितना कम बात करेंगे उतने ही सुकून से रहेंगे, ठीक है? अब ये भी जासूस बन गई है, भगवान बचाए इन सबको। Thank you.
तुमने जो किया है ना निशा, शुक्र मनाओ उसके लिए मैं सिर्फ तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ और कुछ नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जो किया वो बहुत गलत था? जाओ जाके चांदनी से माफी मांगो। एक्चुअली तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हें ना दिमागी इलाज की जरूरत है, जाके वो करवाओ। निशा का ये जुनून अब उसका पागलपन बनता जा रहा था। उसने एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोचा कि अगर वो गमला उसकी पड़ोसन चांदनी पर गिर जाता तो क्या होता। उसको चांदनी में सिर्फ अपनी दुश्मन नजर आ रही थी, जिसने उसे उसके पड़ोसन और एक अच्छे दोस्त को उससे छीन लिया था। निशा ये नहीं समझ पा रही थी कि उसके पागलपन ने एक अच्छी और सच्ची दोस्त को उसे छीन लिया था। शमिता ने भी ये ठान लिया था कि निशा से दूर रहने में ही बेहतरी है, लेकिन निशा को यह गवारा नहीं था। अब देखना यह है कि क्या निशा शमिता के साथ एक बार फिर दोस्ती करने में कामयाब हो पाएगी, या फिर निशा का यह जुनून उसे किसी और दिशा में ले जाएगा। चलिए जरा यहां ना। क्या हुआ? ये देखो। ये कैसे हुआ? लगता है कि रात को बिल्ली ने डस्टबिन का थैला फाड़ दिया होगा। एक काम करो, कल से डस्टबिन को अंदर रखना, जब कूड़े वाला आए तो सुबह खुद देना, ठीक है? ठीक। चलो मैं लेट हो रहा हूं। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब ये बिल्ली कहां से आ गई? गॉड, अब तो हद हो गया सच में। ठलता कौन है घोड़ा? पता नहीं, रोज का है ये। कभी कूड़ा पड़ा रहता है, कभी दूध का पैकेट फटा हुआ पड़ा रहता है, कभी न्यूज़पेपर पड़ा रहता है, और तो और कोई रात को डोरबेल बजा के भाग जाता है। मैं तो थक गई। ऐसे कैसे? हर दूसरे दिन का नाटक हो चुका है। कौन कर सकता है ऐसा? निशा, निशा? निशा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना गिर सकती हो। अब तुम इसकी वजह से मुझे सुनाओगी? हाँ, यहाँ बात इसकी नहीं हो रही है, बात तुम्हारी हो रही है यहाँ पर। और चांदनी इतनी गिरी हुई नहीं है। शमिता, तुम इस चांदनी की वजह से मेरी बेइज्जती करोगी? हाँ, इसको तो मैं नहीं छोड़ सकती। शमिता, चांदनी, थोड़ा हल्दी और डालो। हाँ, ऐसे ही।
देखना कितना अच्छा खिलेगा हमारी जिया के ऊपर हल्दी का रंग। शादी का माहौल ही कितना अलग होता है। एक यही मौका होता है जहाँ अपनों से मिलना होता है, हंसना, बोलना, गाना, नाचना, सब मिलके जैसे एक हो जाते हैं। हमारे जमाने में तो बात ही कुछ और होती थी। पूरे एक महीने पहले शादी की रस्में शुरू हो जाती थी और आजकल तो बस 3 दिन में सब कुछ खत्म। तब की बात कुछ और थी आंटी। जैसा पहले था वैसा आज भी है, बस तुम लोगों के पास बहाने होते हैं कुछ ना करने के। पर सच में नहीं है टाइम आंटी। अब कैसे टाइम मिल गया? हाँ ये बात तो सही कही आंटी। क्या कुछ नहीं किया शमिता के लिए, उसको अपना दोस्त माना, सच्चा दोस्त। लेकिन चांदनी के आते ही उसने मुझसे दूरियां बना ली, वो मुझे भूल गई। शमिता को मेरी दोस्ती, मेरा पागलपन, मेरा जुनून लगने लगा। मुझे छोड़कर वो उस चांदनी के करीब चली गई। मुझे जलन होने लगी चांदनी से। कितना समझाया था मैंने शमिता को, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी, बल्कि उस चांदनी की वजह से मुझे मुझे थप्पड़ मारा। हाँ मुझे, इसलिए मैंने उसको टेरेस से धक्का मार दिया। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सॉरी। आखिर निशा को क्या प्राप्त हुआ ये सब कुछ करके? निशा ये समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि किसी के जीवन पर उसका कोई हक नहीं है। शमिता और चांदनी की अपनी एक जिंदगी है और उस जिंदगी पर सिर्फ उनके परिवार का हक है। हर दोस्ती की एक हद होती है और उस सीमा को हमें कभी लांघना नहीं चाहिए। लेकिन निशा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। न जाने शमिता को उसने क्या मान लिया था कि निशा भूल गई थी कि शमिता की अपनी एक जिंदगी है, अपना एक परिवार है। वो यही समझ बैठी कि उसके अकेलेपन को सिर्फ शमिता की दोस्ती ही दूर कर सकती है। रिश्तों की सीमा वो लांघ चुकी थी, वो बिल्कुल पागल हो गई थी।
कि अब शमिता की जिंदगी लेने के लिए भी वो तैयार हो गई, जिसके लिए उसे कोई अफसोस नहीं था। शमिता की किस्मत बहुत अच्छी थी कि छत से गिरते ही वो छज्जे पे आ गिरी और वहीं पर अटके रह गई। हर रिश्ते की एक सीमा होती है और अगर वो सीमा में रहे तो रिश्ते मजबूत बनते हैं। मुझे सुधा चंद्रन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।